गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती, पप्पू यादव ने दी सीधी धमकी, लॉरेंस के नेटवर्क को बताया 2% का, 24 घंटे में नेटवर्क खत्म करने की दी चुनौती। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है कि जब इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को वो खत्म कर देंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि ये देश है या फिर हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया, कभी करणी सेना के मुखिया को मरवाया और अब उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताया है। उन्होंने इसी पोस्ट में गैंगस्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। इससे पहले पप्पू यादव ने जो पोस्ट की थी उसमें बाबा सिद्दीकी को बिहार का बेटा बताया था। दरअसल बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और बाद में मुंबई जाकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में महाजंगल राज भी बताया। पप्पू यादव ने लिखा था कि वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज का शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का वो क्या होगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले पप्पू यादव खुद सरकार से सुरक्षा मांग रहे थे और अब वे ही पप्पू यादव चेतावनी दे रहे हैं। इस बात पर भी लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।